कल्याण हो सनातन धर्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों के लिए एक बार साल में मेरा पूरा फोकस अभी मथुरा कृष्ण भूमि पे और पूरा आगरा की जामा मस्जिद पे है, क्योंकि वो बहुत बड़ी अपमान की बात हो रही है। हमारे ठाकुर जी के छवि के ऊपर पैर रख के वो जा रहे हैं, ये इट्स नॉट स्मॉल थिंग। महाराज जी, कृष्ण भक्तों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ज्येष्ठ भ्राता सिंह लगे भगवान भूत पावन महादेव के कार्तिक और अष्टोत्तर शत ब्राह्मण अष्टोत्तर शत पाठ श्रीमद भागवत के मूल पाया ब्राह्मणों द्वारा। मैं गोविंद पारासर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकी नंदन जी ठाकुर जी महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करता हूँ। जो जामा मस्जिद में जो मूर्तियाँ गढ़ी हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं निकलेंगी तो इससे हिंदू समाज की भावनाएं हाथ हो रही हैं। इसकी जिम्मेदारी खुद प्रशासन की होगी, केंद्र सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी, चाहे केंद्र के जरिए, चाहे राज्य सरकार के जरिए और चाहे कोर्ट के माध्यम से इन सिद्धियों जामा मस्जिद की सिद्धियों को खोदा जाए और उन मूर्तियों को बाहर निकाला जाए। और आपको बता दूं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में 5 जज की बेंच ने एक आदेश पास किया था, जजमेंट किया था, तो उसके 100 पैरा नंबर 116 और 117 को पढ़ लीजिए। 116 और 117 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि संकल्प सदा अमर रहता है, जिंदा रहता है। आप जब रामनवमी के लिए यात्रा निकालते हो, कृष्ण भूमि के लिए, कृष्ण के लिए यात्रा, तो कोई भी यात्रा निकालते कहते यहाँ मत जाना, ये सेंसिटिव इलाका। क्या बोलते सेंसिटिव इलाका है, कैसे भाई भारतीय नहीं रहते? किसकी वजह से? जहां हम लोग रहते हैं वहां तो कोई सेंसिटिव इलाका नहीं, कोई कहीं भी निकल जाओ है, जवाब दो। फिर सेंसिटिव इलाका किसकी वजह से है? ये सेंसिटिव इलाके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं कि तुम्हें घटा घटा प्रदेशों में कम कर दिया। कश्मीर में 5 लाख मरवा के आ गए, फिर भी चल ठीक नहीं होते। मेरा आग्रह, मैं इन सब बातों को नहीं करना चाहता था। जो मेरे मन में होता है मैं वो बोलता हूँ। मैं आज भी चाहता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिले तो एक ऐसा कार्य किया जाए, एक ऐसी योजना जाए जिस योजना के पूरा विश्व यह समझे कि सनातन किसी का बुरा नहीं चाहता, पर सनातन अपना बुरा अब होने नहीं देते। कोर्ट की तारीखें पड़ती रहेंगी, कोर्ट तो तारीख पे तारीख पड़ती रहेंगी, कब तक? जब तक हम और आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करें। अब आप ये एक्स्ट्रा करना है, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ हो तो ढुलमुल रवैये से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए तो एक अतान चाहिए, अलग निशान चाहिए, और सभी एक हो सनातन, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए।